हेलो फ्रेंड, दिस इज अभिषेक सक्सेना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसईओ पाठशाला। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक होगा कि GA4 पे हम फिल्टर्स कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने एसईओ रिपोर्ट्स बनाने के लिए। तो इसके लिए मेरे पास बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। एक अक्षय कुमार हैं, उनका लास्ट एक मैसेज आया था, और बहुत सारे लोगों ने जो गूगल सर्च कंसोल में मैंने वीडियो बनाई थी, तो उसी में उन्होंने कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट्स करे थे कि भाई आप ऐसी वीडियो जो आपने गूगल सर्च कंसोल के लिए बनाई है, वैसे ही आप GA4 के लिए भी हमें बनाइए रिपोर्ट सेक्शन के लिए, कि हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो पहले हम GA4 पे गए, जैसे यहाँ पे गए, उसके बाद हम जाएंगे सीधा रिपोर्ट सेक्शन में। तो फ्रेंड्स, मैं कहना चाहता हूँ कि पहले हम ये टॉपिक स्टार्ट करें तो मैं बहुत एक थिन लाइन है इसका, मेरा वीडियो आई बटन में आप देख लीजिएगा कि GA4 और GSA में फ़र्क क्या होता है। तो जैसे मैंने गूगल सर्च कंसोल के लिए जो रिपोर्ट जो जो वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से फिल्टर लगाए जाते हैं। लेकिन क्या होता है ना फ्रेंड्स, जो गूगल सर्च कंसोल और गूगल एल्टिक में फ़र्क यही है कि गूगल सर्च कंसोल क्रॉलर की इंटेंट पे काम करता है, कि इंट्रैक्शन बिटवीन क्रॉलर एंड वेबसाइट। लेकिन जो GA4 होता है, या पुराना जो गूगल GA3 था, जिसे हम गूगल एनालिटिक्स या यूनिवर्सल एनालिटिक्स कहते थे, UA था, और अब GA4 है, जो भी हमारा एनालिटिक पार्ट होता है ना फ्रेंड्स, वो यूज़र के इंट्रैक्शन पे काम करता है, कि यूज़र हमारी वेबसाइट पे आया तो उसने कैसे इंटरेक्ट करा, किन किन पेजेस पे गया, क्या उसकी एज थी, ठीक है, क्या टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस थे, तो उसके अकॉर्डिंग टू होता है। तो इसमें बहुत सारे सेक्शन है, लेकिन हम लोग आज जो बात करेंगे वो एक्विजिशन के बारे में बात करेंगे। एक्विजिशन का मतलब क्या होता है कि ट्रैफिक कहाँ से आया, किन किन जगह से ट्रैफिक आ रहा। तो हमारा मेन गोल क्या होता है कि एनालिटिक्स में हम वो देखते हैं कि भाई ट्रैफिक कहाँ कहाँ से आया, किन किन पेजेस पे आया, किन किन सोर्सेस से आया, किस सिटी से आया, किस रीजन से आया, लाइक दिस। तो आज हम इन्हीं रिपोर्ट्स को बहुत थोरली डिस्कस करेंगे, जिसमें कि मैं तीन रिपोर्ट डिस्कस करूँगा। एक रिपोर्ट में डिस्कस करूँगा ट्रैफिक एक्विजिशन पे, कि हमारे अगर कोई पूछता है, हमारा क्लाइंट पूछता है, हमारा एक ये होता है कि भाई हम ये चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट पर ट्रैफिक हर वर्ल्ड वाइड आए, ठीक है, हम ये तो नहीं चाहते। वो हमारी बात अलग है फ्रेंड्स, कि हमारे कुछ टारगेट सिटीज़ होती हैं, कुछ टारगेट कंट्री होती है, लेकिन हर कोई बंदा चाहता है कि उसकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आए, और ख़ासकर जो इंफॉर्मेटिव वेबसाइट्स होती हैं लाइक ब्लॉग्स की, तो उसमें तो हम चाहते हैं कि भाई हमारी कोई एक एक होता है कि हम इस सिटी को, इनको टारगेट कर रहे हैं कि भाई वहाँ से आएगा तो ठीक है, लेकिन अगर आपकी वेबसाइट पर ओवरऑल ट्रैफिक हर जगह से आ रहा है, तो आप समझ लो रैंकिंग आपके ब्लॉग्स की हो या आपके वेब पेजेस की हो, कहीं रुकेंगे नहीं, वो आगे ही जाएंगे, क्योंकि गूगल को एक 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 सिग्नल मिलेगा, भाई मतलब इंडिया से, UK से, USA से, अर्जेंटीना से, फ्रांस से, चाइना से, सब लोग इसी ब्लॉग को सर्च कर रहे हैं, या इस पर्टिकुलर लाइक example.com एक वेबसाइट है, इस पे इसको ही गो थ्रू कर रहे हैं, इसके कंटेंट पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो वो हमारी रैंकिंग सबसे हाई रहेगी, क्योंकि वर्ल्ड वाइड सब उसे पसंद कर रहे हैं, और गूगल उन्हीं चीज़ों को टॉप पे लाता है जब वो देखता है कि बाकी लोग सब उसकी तरफ इंटरेक्ट कर रहे हैं या उनका इंटरेस्ट है, ठीक है फ्रेंड। तो अब हम बात करेंगे एक्विजिशन की। तो एक्विजिशन में आपको क्लियर कर, जैसे मैंने बता दिया एक्विजिशन होता है कि ट्रैफिक कहाँ कहाँ से आ रहा है, ठीक है। अब जैसे एक्विजिशन ओवरव्यू है, यूज़र एक्विजिशन, ट्रैफिक एक्विजिशन है। यूज़र एक्विजिशन में जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा है फर्स्ट यूज़र प्राइमरी चैनल ग्रुप डिफॉल्ट चैनल ग्रुप। फ्रेंड्स से मैं जल्दी से क्लियर करता हूँ, यूज़र एक्विजिशन ट्रैफिक एक्विजिशन में कन्फ्यूजन होता है, इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है। तो यूज़र एक्विजिशन क्या होता है कि पहला यूज़र कहाँ से आया, उसका सोर्स क्या था, उसके बाद वो आया तो वो रिटर्निंग यूज़र हो गया, वो आता रहा। लेकिन इसमें यूज़र एक्विजिशन वाले सेक्शन में जब आप जाएंगे, तो यहाँ जो रिपोर्ट आपको मिलेंगी वो मिलेंगी हमेशा फर्स्ट यूज़र वाली। जैसे हम इस पर क्लिक करके जहाँ पे जाते हैं, तो आप देखिएगा कि हर जगह लिखा है फर्स्ट यूज़र मीडियम, कि कहाँ से आया। जैसे आप लिखते हैं फर्स्ट यूज़र प्राइमरी चैनल ग्रुप, किस उससे आया, ऑर्गेनिक सर्च भी आई, डायरेक्ट भी आई, ऑर्गेनिक सोशल भी आई, रेफरल भी आने। तो पहली बार किधर से किसी एक लैंडिंग पेज या किसी लैंडिंग पेज, जैसे होम पेज कह लीजिए या और भी हमारे जो पेजेस हैं, उन पे पहला यूज़र कहाँ से आया, तो ये उसकी बात हो गई। ये आता है ट्रैफिक एक्विजिशन, ये न्यू और रिटर्निंग यूज़र की कंप्लीट रिपोर्ट होती है, जैसे उसमें लिखा है आपका सोर्स सेशन सोर्स एंड मीडियम। ट्रैफिक एक्विजिशन क्या होता है कि ये टोटल बात चल रही है कि जितने भी यूज़र्स आए उनका सोर्स क्या था और उनका मीडियम क्या था, किस जगह से आए और किस तरीके से आए। जैसे कहते हैं ना कि दिल्ली से बॉम्बे जाना है, तो मेरा सोर्स क्या, बॉम्बे वाला बोलेगा कि अब कि ये कहाँ से आ रहा है, तो इसका सोर्स क्या है, दिल्ली है, लेकिन दिल्ली वो किस तरीके से आया, बाय ट्रेन आया,
बाय एयर आया, बाय वॉक आया, बाय बस आया। तो जो सोर्स हुआ, सोर्स में क्या आ गई हमारी, कहीं ना कहीं आ गए ऑर्गेनिकली, आया रेफरल, आया डायरेक्ट आया। अब ऑर्गेनिकली क्या हुआ, किसी ने सर्च करा, यही हमारी, मैं सैंडी वेबसाइट की बात कर रहा हूँ कि बेस्ट हैपनिंग बीचेस इन द वर्ल्ड, बेस्ट ब्यूटीफुल बीचेस इन द वर्ल्ड, तो ये ऑर्गेनिक आया कि इस कीवर्ड पे हमारे पेज दिखे। रेफरल आया कि हमने बुक मार्किंग करी थी कोरा पे, रेडिट पे, हमने ब्लॉग्स डाले थे, तो उन ब्लॉग्स किसी ने सर्च करा, वो सर्च में हमारा ब्लॉग आया, उस ब्लॉग के थ्रू हमारे वो वेब पेजेस या वेबसाइट पे आया, तो ये रेफरल हो गया, डायरेक्ट हो गया। डायरेक्ट फ्रेंड, जैसे हम अपनी बात कर रहे हैं कि हम लोग सर्च करते हैं कि हमारी रैंकिंग कैसी चल रही है या इस कीवर्ड पे हम कहाँ पे हैं, या किसी ने डायरेक्ट ही सर्च कर लिया सैंडी डॉट कॉम, ठीक है, या किसी ने लिख दिया सैंडी बीचेस, सैंडी सेंटा मोनिका बीची, तो वो डायरेक्ट हो गया कि उसने ऊपर डायरेक्ट लिखा, रिजल्ट पे गया, बात खत्म, वो किसी ऑर्गेनिक क्वेरी से या किसी रेफरल से नहीं आया। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हम पहली रिपोर्ट बनाएंगे कि हम, अगर कोई हमसे पूछता है कि भाई ट्रैफिक तो आ रहा है, लेकिन आप ये बताओ हमें कि कितने सर्च इंजन से आ रहा है, वर्ल्ड वाइड आ रहा है कि नहीं आ रहा। आपको पता है कि 99% लोग गूगल सर्च इंजन यूज़ करते हैं, चाइना ऐसा है, बायजू उनका, वो अपना उनका सर्च इंजन है, ठीक है, येंडेक्स है, याहू है, बिंग है, तो आप ये देख सकते हैं कि बहुत सारे सर्च इंजन्स हैं। तो मज़ा कब आएगा, जब आपकी वेबसाइट पे सारे सर्च इंजन से ट्रैफिक आएगा, तो वो एक बूस्ट मिलेगा कहीं ना कहीं। तो हम इसी, इस जो एक रिपोर्ट बनाएंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ट्रैफिक एक्विजिशन है, जैसे आप देख सकते हैं सोर्स एंड मीडियम ऑलरेडी इसमें सिलेक्टेड है, तो आप देख रहे हैं गूगल ऑर्गेनिक, डायरेक्ट, बिंग ऑर्गेनिक, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारी जो रिपोर्ट होती है उसको हम सजाते कैसे हैं। सजाते इन द सेंस कि कई बार क्या होता है ना कि क्लाइंट आता है, वो पूछता है भाई हमें कन्वर्जन दिखाओ, बात खत्म, या हमें इवेंट्स दिखा दो क्या परफॉर्म हुए, या यूज़र सेशन। तो जैसे अब मैं कस्टमाइज पे गया, फॉर एग्जांपल जब मैं कस्टमाइज पे गया, तो आपने देखा आप मैट्रिसेस पे गए, तो आपके बहुत सारे ये मैट्रिसेस हैं जिनकी हम यहाँ बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिए यूज़र सेशन, एंगेज सेशन, एवरेज एंगेजमेंट, एंगेज सेशन, ठीक है। लेकिन आप देख रहे हो हमें बार बार नीचे जाना पड़ेगा, वो बोलेगा कि भाई हमें कन्वर्जन दिखाओ, तो हम बोलेंगे अच्छा भाई हम जब जाते हैं नीचे से ट्रैक करते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टली। लेकिन हम इसको अपने हिसाब से सेट भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कन्वर्जन है, कन्वर्जन लास्ट सेकेंड लास्ट पे आ रहा है, तो हम इस कन्वर्जन को उठाएंगे यहाँ से, और ये हमने सेशन के बाद डाल दिया, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि इंगेजमेंट रेट, कन्वर्जन रेट भी बता दो, तो हम यहाँ पे गए, हमने लिखा कन्वर्जन रेट, फॉर एग्जाम्पल, तो आ गया यूज़र कन्वर्जन रेट, ठीक है। तो हमारा यूज़र कन्वर्जन रेट आ गया, तो हम कब क्या चाहेंगे, हम ये चाहेंगे कि यूज़र कन्वर्जन जो रेट है वो कन्वर्जन के बाद हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गया। उसके बाद देखिए, अभी मैं आपको अप्लाई करने से पहले ये दिखा दूँ कि अभी हमारा करंट क्या है, करंट फॉर्मेट क्या चल रहा है रिपोर्ट का, इवेंट्स उनके हिसाब से, मैट्रिसेस के हिसाब से, कि पहला हमारा यूजर सेशन, एंगेज सेशन, एवरेज एंगेज बट। लेकिन जैसे हम अप्लाई करेंगे, तो आप देखिए यूजर सेशंस, कन्वर्जन्स, यूजर कन्वर्जन, एंगेज सेशन। तो ऐसे हम किसी क्लाइंट को रिपोर्ट दिखा रहे हैं, एजेंसी हो गई, या वैसे भी हमारे मतलब अपने मैनेजर को दिखा रहे हैं, हमने एक रिपोर्ट बनाई कि, तो हमें बार बार नीचे जाके इसे हॉरिजॉन्टली ड्रैग करने की जरूरत नहीं है। हमारे पॉइंटर्स से बहुत क्लियर है कि भाई हम आज इस रिपोर्ट में बात करने वाले हैं यूजर्स की, सेशंस की, भाई इतने यूज़र आए, ठीक है, सेशन हमेशा ज़्यादा ही होगा, जितने यूज़र आएंगे वो सबसे ज़्यादा ही सेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। कन्वर्जन रेट हमारा 100% ऑफ टोटल जो है वो, मतलब अभी जैसे मान लीजिए कि 1,98,793 है, ठीक है, ये रहा, ये हमारी परसेंटेज निकल गई, ये एंगेज सेशन निकल गया। एंगेज सेशन आपको पता ही है फ्रेंड्स क्या होता है, मैं अभी दोबारा आपको बता देता हूँ कि एंगेज एक सेशन, एंगेज सेशन तब बनता है जब कोई यूज़र 10 सेकेंड एक लैंडिंग पेज, जिस पेज पे हुआ है वो इन्वेस्ट कर ले, ठीक है। लेकिन एक इसमें ट्विस्ट भी है, इसके लिए मैंने शॉर्ट्स भी बना रखे कि आप बोलो कि अगर कोई 5 सेकंड में चला जाए तो एंगेज सेशन नहीं होगा, लेकिन 5 सेकंड में चला जाए तब भी एक एंगेज सेशन हो सकता है। दो केस में देखिए, एक बंदा 10 सेकंड के लिए रुका, वो एंगेज सेशन हुआ, लेकिन दूसरा बंदा 5 सेकंड से बाहर चला गया तो वो एंगेज सेशन नहीं हुआ, लेकिन तीसरा बंदा 5 सेकंड से बाहर गया तो वो एंगेज सेशन हुआ। बोलोगे वो क्यों हुआ एंगेज सेशन, अगर उसने 5 सेकंड, 6 सेकंड, 10 सेकंड से लेस
आठ नौ सात इन 6 सेकंड या 2 या 4 सेकंड बेस रहा और उसने कॉल टू एक्शन कर दिया, मतलब हमारी आपकी जैसे कहते हैं ना फोन क्लिक पे कर दिया, मेल आईडी पे क्लिक कर दिया, तो एक इवेंट परफॉर्म हो गया कि उसने हमारे कॉल टू एक्शन, मतलब कॉल टू एक्शन बटन्स होते हैं जैसे होते हैं ना मोबाइल के बने होते हैं, ऐसे मैं आपको भी दिखा देता हूँ यहाँ पे। जैसे कोई वेबसाइट है, लॉकर्स है फॉर एग्जाम्पल, मैं इस वेबसाइट पे गया, ठीक है, मैं इस वेबसाइट पे गया और मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट पे क्लिक कर दिया। अब कॉन्टैक्ट पे क्लिक करा, ठीक है, या मैंने क्या करा फ़ोन नंबर पे क्लिक करा आते ही, तो फ़ोन नंबर पे जैसे ही क्लिक करा तो ये एक हमारा कहीं ना कहीं एक इंगेज सेशन में काउंट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे मेल का ऑप्शन आ गया, ठीक है, तो अब क्या हुआ कहीं ना कहीं उस बंदे ने आते ही 2 से 3 सेकंड बाद सीधा एक कॉल टू एक्शन कर दिया, किसी मेल पे क्लिक कर दिया, किसी फोन नंबर पे क्लिक कर दिया, तो वो क्या हो गया हमारा इंगेज सेशन हो गया। माना उसे 10 सेकंड स्पेंड नहीं करते, ठीक है। तो आप इसी तरीके से कोई भी मैट्रिसेस यहाँ से रिमूव करना चाहते हो तो आप उसे रिमूव भी कर सकते हो। तो आपने जैसे मान लो टोटल रेवेन्यू है, ठीक है, टोटल रेवेन्यू देखिए अभी ये यहाँ पे होगा, मैंने अप्लाई नहीं करा है ना, अब मैंने यहाँ से हटाया क्रॉस करा, मैं इसे अप्लाई करूँगा तो अब आप देखिएगा टोटल रेवेन्यू यहाँ से गायब हो जाएगा। हम एंड पे गए, ऑल इवेंट आ रहा है, ठीक है, ये हमारा टोटल रेवेन्यू यहाँ से गायब हो गया। लेकिन ये ई कॉमर्स की वेबसाइट हो तो आप रेवेन्यू वाला पॉइंट ले सकते हैं, ठीक है। और भी मैं इस वेबसाइट में आगे फिल्टर लगाने से पहले बताऊंगा, जैसे ऑल इवेंट हो गया फ्रेंड्स, मान लीजिए फ्रेंड्स अगर आप लोगों ने मेरे GTM की सीरीज देखी होगी ना, तो मैंने GTM में स्क्रॉल डेप्थ लगाया था, तो आई बटन में मैं दिया उस लिंक से देखिएगा कि उससे कितना फ़ायदा हुआ। देखिए स्क्रॉल टैप से क्या होता है, पता चलता है कि कोई बंदा हमारे पेज पे आया तो उसने पूरा पेज रीड करा नहीं करा। तो अब देखिए मैंने यहाँ इवेंट लगाया था, ठीक है, ऑल इवेंट्स, अब मैं इवेंट पे गया तो मैंने लगाया था 25%, 50%, 75%, 100%, ये सारे इवेंट है कि मतलब 25% पे अबव द फोल्ड पार्ट, फिर 75, फिर 50-25, तो मैं देखूंगा कि कितने पेजेस पे जितना भी सर्व ट्रैफिक आया उनको 25% स्क्रॉल किया गया, मतलब अबव द फोल्ड पार्ट कितने लोगों ने देखा। तो 12.77 लोगों ने जो टोटल आए थे, मान लो ये 36,000 आए थे, तो यहाँ पे इसका 12% जो है, 36,000 टोटल यूज़र आए थे, सेशन इतने बने, तो जितने सेशन बने, ये सेशन जितने बने इसमें से इनका मतलब जो टोटल था अगर देखा जाए तो 12%, 12 पॉइंट मतलब अप्रोक्सीमेट 13% लोगों ने अगर देखा जाए अबव द फोल्ड पार्ट, मतलब 25% पेज को रीड किया, ठीक है। उसके बाद 50% पे कितने लोग पहुँचे, 6%, उससे कम पहुँचे, मतलब 50% पेज किसी ने नहीं करा। 75% पे कितने लोग पहुँचे, 2% लोग पहुँचे, मतलब फ्रेंड्स अगर देखा जाए मैं sandy.com पे जाता हूँ तो आप देखिए कि जैसे मैंने पेज करा तो ये हमारा मेरा करीबन 25% हो गया। फिर मैं यहाँ आ गया, ये देखिए यहाँ साइड में भी देखिए अभी 60% चल रहा है, ये 50% यहाँ पे हुआ, ठीक है, फिर ये 75% हुआ, फिर ये 100% हुआ, मतलब जो मैक्सिमम लोग आए हैं ना वो यहाँ तक आए हैं, इस पेज को उन्होंने यहाँ तक देखा है। देखिए 25% होता है मतलब इस तक मोस्ट पॉपुलर बीचेज इन द वर्ल्ड तक, उसके मतलब एक अगर मैं एग्जाम्पल दे के बताऊँ तो उनका रेशो ज़्यादा है कि मतलब लोग ज़्यादा नीचे नहीं जा रहे, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा पेज इंगेजिंग नहीं होगा, या वो जो एक 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 दिमाग में इंटेंट लेके आएगा कि भाई मुझे इस बात में पता करना है, वो हमने वहाँ मेंशन नहीं करा हो, क्या पता हमने बॉटम में मेंशन करा हो तो वो हमारा लॉस है। तो इससे हमारी बहुत चीज़ें क्लियर होती हैं कि देखिए पहले 12.77 लोग इतने परसेंट ने 25%, फिर 6.82, 50%, 2.86, 75, और अगर किसी ने हमारा पूरा पेज देखा है तो वो भी देख लेते हैं, तो वो फ्रेंड्स आप देख लीजिए 0.61%, मतलब अगर आप देखा जाए तो 50.50% से ज़्यादा है 0.,, तो आप 1% लोग ऐसे हैं जिन्होंने पूरा पेज स्क्रॉल करें, मतलब पूरे पेजेस हमारे स्क्रॉल करें। तो ये इस तरीके से आपके जितने भी आपने इवेंट लगाए होंगे, जैसे मैंने एक इवेंट ये लगाया था कि वीडियो कंप्लीट किसने पूरा देखा, तो अगर आप यहाँ पे आओगे तो कंप्लीट वीडियो यहाँ 0% किसी ने नहीं देखा, ठीक है। अब आप यहाँ पे गए और आप देखते हैं कि
वीडियो स्टार्ट, वीडियो स्टार्ट कितने लोगों ने करा, तो 0.27% लोगों ने वीडियो स्टार्ट करा। जैसे मैं आपको दिखाया था, ऐसे हमारे कई कई बीचेस हैं जिसमें हम लोगों ने वीडियो का ऑप्शन दिया है, यूट्यूब वीडियो का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे ये वेबसाइट थोड़ी हमारी चेंज हुई है, तो जैसे आप देख लीजिए यहाँ पे ये कहीं ना कहीं ये सेक्शन वीडियो का है। ये देखिए ये वीडियो का ऑप्शन है, इस पर मैंने लगा रखा है, क्या लगा रखा है, GTM से लगा रखा है कि कितने लोग हमारे यूट्यूब वीडियो का जो लिंक है यहाँ पे उनको प्ले करके पॉज करा है और या पूरा देखा है। तो ये वीडियो स्टार्ट करा 0.27% लोगों ने, ठीक है। ऐसे ही बुक मीटिंग क्लिक बटन एक लगा हुआ है, एक मैं दिखाता हूँ क्लिक लॉग इन बटन। क्लिक लॉग इन बटन पे कितने लोगों ने उस इवेंट को कितने लोगों ने परफॉर्म करा, मतलब उस पर कितने लोगों ने क्लिक करा, तो आप देखिए लेस देन 0.1, मतलब ना के बराबर आप कह सकते हैं। और ये देख लीजिए ये पेज मैंने, ये हमारा लॉग इन बटन है यहाँ पे कितने लोगों ने क्लिक करा, ठीक है फ्रेंड। तो हम इस रिपोर्ट से पर्टिकुलर, अगर हम क्लाइंट को बता रहे हैं या मतलब अपने ऑफिस में मैनेजर्स को बता रहे हैं, कोई रिपोर्ट बना रहे हैं, तो इससे भी हम देख सकते हैं कि जो जो इवेंट हमने लगा रखे हैं इन सबको यहाँ से क्लिक कीजिए। जैसे आप देख लीजिए पेज व्यू सबसे अच्छा खासा होगा फ्रेंड। अगर मैं सेंटा मोनिका स्क्रॉल डेप्थ की बात करता हूँ, इस पेज की बात करता हूँ, तो इसका पर्टिकुलर अभी देखिए क्या आता है, दो दो ने ही करा है, ऑर्गेनिक आया है, ठीक है। और एक अगर मैं पेज व्यू की बात करता हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा होगा फ्रेंड्स, क्योंकि पेज व्यू तो हुए ही होंगे। देखिए फ्रेंड्स 35.62% लोग टोटल इन लोगों ने पेज व्यू करा है। तो आप यहाँ से इवेंट पे, यहाँ पे जाके अपने इवेंट्स भी चेक कर सकते हैं। सेम आप यहाँ कन्वर्जन में भी जाके ये कन्वर्जन रेट चेक कर सकते हैं। अगर मैं पेज व्यू का देखूँ तो पेज व्यू कितने लोगों ने किया है कन्वर्जन, तो इतने लोग कन्वर्ट हुए हैं हमारे टोटल में, 54.16% लोग कन्वर्ट हुए हैं। जितने लोग आए थे उसमें से 54.16 लोग कन्वर्ट हुए हैं जिन्होंने पेज व्यू देखा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जाके सारे डेटा को, जो जो इवेंट आपने लगा रखे होंगे GTM में लगा रखे होंगे, GTM में ही इवेंट लगते हैं जो कि हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं GA4 में, ठीक है। तो ये इधर से आप जाके अपने सारे इवेंट्स चेक कर सकते हैं। अब बात होती है कि देखिए ये रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को आप देख रहे हैं, और यहाँ से भी आप इस रिपोर्ट को, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 10 है, आप 100 रिजल्ट पे भी जा सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे 100 रिजल्ट्स पे गया, तो आप देखिए एक मिनट, ये अभी प्रॉपर लोड होगा पेज, सॉरी अभी ये इन्हीं 10 का दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ना, मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, फिल्टर अभी ऑलरेडी लगा हुआ था, इसलिए अभी हम फिल्टर लगाएंगे बाय डिफ़ॉल्ट। यहाँ फिल्टर मैंने जब पहले काम करा, तो देखिए ये हमारे 100 के 100 ये सारे पेजेस ओपन हुए, तो आप इसमें देख सकते हैं कि सारे रिजल्ट्स आ गए। मतलब ट्रैफिक एक्विजिशन में सोर्स एंड मीडियम से देखा जाए तो गूगल से ऑर्गेनिक ट्रैफिक आया, डकडकगो से आया, याहू से आया, फेसबुक से रेफरल आया, रेफरल मैंने बताया कि फेसबुक के थ्रू आ गया होगा, हमने कोई बुक मार्किंग करी होगी, ठीक है। और ये सारे कहीं ना कहीं ये बैकलिंक्स की साइट्स हैं, इसका भी मैं अलग से इसी रिपोर्ट में एक अलग से इसकी रिपोर्ट बनाना बताऊंगा, ठीक है। लिंक्डइन पे हम लोगों ने कुछ डाल दिया होगा, लिंक्डइन के थ्रू आ गया, randallkaplan.com, ये भी मतलब जो हमारे ओनर हैं, डायरेक्टर हैं, उनकी अपनी एक पर्सनल वेबसाइट है, तो उन्होंने वहाँ पे लिंक लगा रखा कहीं ना कहीं सैंडी का, तो वहाँ से आ गया होगा, ठीक है। अब बात ये है कि यहाँ पे तो हमारे बहुत सारे रिजल्ट्स दिख रहे हैं, लेकिन हमें ऑर्गेनिक रिजल्ट पता करने कि जो हमारे किसी ने क्वेरी डाली और क्वेरी के थ्रू हमारे वेब पेज पे आए, होम पेज पे आए, सर्विस पेज पे आए, ब्ला ब्ला ब्ला। तो अब हम यहाँ पे ऐड फिल्टर पे जाएंगे, डायमेंशंस पे जाएंगे, यहाँ पे हम डायमेंशंस पे जाके आपका करेंगे सोर्स एंड मीडियम, सेशन सोर्स एंड मीडियम, सेशन सोर्स मीडियम पे गए, कंटेंट्स करा, और स्मॉल में फ्रेंड्स ऑर्गेनिक आप करके अप्लाई कीजिए। तो फ्रेंड्स आप देखिए यहाँ पे हमारे अभी ये 100 जरूर है, लेकिन उन्होंने बिल्कुल अब इनको प्रिसाइज कर दिया है, यहाँ पे ये हमारे रिजल्ट आ चुके हैं कि गूगल से, अब देखिए स्पेसिफिकली सर्च इंजन्स आ गए, तो आप अपने क्लाइंट को ये बता सकते हैं कि जो भी हम लोग काम कर रहे हैं वो मतलब इस तरीके से कर रहे हैं, इतना पॉजिटिवली चल रहा है कि बाकी सर्च इंजन से भी कहीं ना कहीं
ट्रैफिक आ रहा है। देखिए बायदू से ये चाइना से भी आप कह सकते हैं ट्रैफिक आ गया। गूगल तो आपको पता है 95% लोग यूज़ करते हैं। बिंग आ गया, डग डग गो आ गया, बायदू आ गया, येंडेक्स आ गया, इकोसिया आ गया, स्टार्स जैन आ गया, ठीक है। तो देख लीजिए गूगल से 95% 35,939, टोटल 36,636 में से 35%, यू कैन से ऑलमोस्ट 90-95% 96% ट्रैफिक आ गया, बाकी सबसे आ गया। तो ये एक हमारी क्या रिपोर्ट बन गई। आप फिल्टर याद रखिएगा, आपको ऐड फिल्टर पे जाना था, मैं इसको दोबारा क्रॉस करके बताता हूँ। ऐड फिल्टर पे जाना है, सेलेक्ट डायमेंशंस करनी है, यहाँ सेशन टाइप करेंगे तो यहाँ पे आप आ जाएंगे, सेशन सोर्स मीडियम करना है, कंटेंस करना है और स्मॉल में फ्रेंड्स ऑर्गेनिक, ठीक है, और यहाँ से अप्लाई कर देना है। तो आपकी एक रिपोर्ट बन गई जिससे आपको पता चला कि डिफरेंट डिफरेंट सर्च इंजन से आपके पास ट्रैफिक आया है वो बिल्कुल प्रिसाइज जा गए यहाँ पे, ठीक है, ये पूरी रिपोर्ट आ गई। अब फ्रेंड्स इसको हम सेव कर सकते हैं और ये मैं सेव दिखेगा लाइब्रेरी में जाके, तो मैं जब सेव करूँगा सेव टू एज अ न्यू रिपोर्ट करिएगा फ्रेंड्स। तो आप जब यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे आप इधर आ गए, ट्रैफिक एक्विजिशन सोर्स मीडियम, सेशन सोर्स मीडियम। अब आप यहाँ पे गए तो यहाँ पे आप लिख दीजिए सर्च इंजन्स ऑर्गेनिक ट्रैफिक, ठीक है। अगर इसको अब जो आपको हटाना है हटा दो, तो आपने लिख दिया और सर्च इंजन्स ऑर्गेनिक ट्रैफिक सेशन सोर्स मीडियम, ठीक है, इसको आपने सेव करा। अब ये रिपोर्ट आपकी सेव हो जाएगी, ये भी हम देखेंगे कहाँ पे जाके सेव होती है, मैं अब वो भी आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो ये एक आपकी एक रिपोर्ट सेव हो गई। ये एक अगर देखा जाए तो एक ऑन पेज के एस्पेक्ट से बात हो गई। अब ऑफ पेज वाले लोग भी काम करते हैं तो वो भी, उनसे भी पूछा जाता है कि भाई ट्रैफिक आप काम कर रहे हो लेकिन हम रिजल्ट नहीं आ रहे, तो आप लेकिन कह सकते हो कहीं ना कहीं कि भाई डिफरेंट डिफरेंट सर्च इंजन, ये डिफरेंट सर्च इंजन तो हो गया कि आपका कहीं ना कहीं वहाँ से ट्रैफिक आ रहा है। आप अपने काम को भी किस तरह दिखा सकते हो, इस रिपोर्ट में भी हम वो चीज़ की बात करेंगे। जैसे हम मान लीजिए यहाँ पे सोर्स आपका सोशल सेशन सोर्स एंड मीडियम था, ठीक है, तो अभी हमने जो ये वाला फिल्टर लगाया था, अब हम यहाँ पे एक फिल्टर लगाएंगे आपका कहीं ना कहीं, यहाँ पे हम जाएंगे सेलेक्ट डायमेंशन करेंगे, यहाँ सेशन सोर्स मीडियम करेंगे, ठीक है, कंटेंस करेंगे और यहाँ रेफरल करके देखेंगे एक बारी देखिए क्या रिजल्ट आता है। देखिए फ्रेंड्स आपने रेफरल किया इसी रिपोर्ट में, अब आप इसको 100 कीजिए एक बारी, देखिए अब जैसे आपने 100 करा तो आप देख रहे हो कहीं ना कहीं पहले सर्च इंजन्स के नेम आ रहे थे, लेकिन अब देखिए फेसबुक, yandex.ru, आई एम फेसबुक, जम इन्वेस्टर ये एक वेबसाइट है, lens.google, यूके सर्च, याहू, आई फेसबुक, विकीपीडिया, reader.tokyo, तो आप कहीं ना कहीं देख रहे हैं ये सारे रेफरल हैं, रेफरल इन द सेंस रेफरिंग डोमेन्स, ठीक है, expireds.com, ये इस पर हम लोग क्लासीफाइड करते हैं इस वाले उस पर, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं इसी रिपोर्ट पे हमने जब फिल्टर लगाया ऑर्गेनिक का, तो हमने सोर्स एंड मीडियम के थ्रू एक जितने सर्च इंजन से ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रहा था क्वेरी सर्च करके, चाइना में भी किसी ने क्वेरी सर्च करी होगी की बीचेस के बारे में, तो सैंडी का पेज वहाँ पर रैंक करा, वहाँ से ट्रैफिक आया। ऐसे ही इन सबसे क्या आया हमारा बैकलिंक्स, अगर कोई ऑफ पेज करता है तो बता सकते हैं भाई ये देख लीजिए ये रेफरल ट्रैफिक है जो मैंने जो काम करा है इन इन साइट्स पे करा है और यहाँ से रेफरल ट्रैफिक आ रहा है। अब हम इसको भी सेव करेंगे, ठीक है फ्रेंड, अब इसको सेव करेंगे, सेव एज अ न्यू कॉपी। तो अब यहाँ पे हम कर देंगे आपका बैकलिंक्स, बैकलिंक्स रिपोर्ट में हम लिख देंगे रेफरल या रेफरिंग डोमेन्स, ठीक है,
अब हम इसको भी बैकलिंक्स रिपोर्ट रेफरिंग डोमेन्स, इससे भी हमने इसको सेव कर दिया। तो हमारी आज दो रिपोर्ट मैंने आपको क्लियर करी, एक ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो ऑन पेज के पॉइंट ऑफ व्यू से था कि भाई कितने सर्च इंजन से आ रहा है, ऑफ पेज वालों के लिए भी एक रिपोर्ट हो गई, ठीक है। अब हम लोग बैक करके जाएंगे, अब हम मैं उस रिपोर्ट की बात करूंगा जो मैं लैंडिंग पेज पे बना लूँ कि लैंडिंग पेज पे हम किस तरीके से ऑर्गेनिक ट्रैफिक और लैंडिंग पेज पे हम किस तरीके से ऑर्गेनिक ट्रैफिक दिखा सकते हैं कि सर्च इंजन से जो आया है वो किस तरीके से आया है। तो इसको हम क्लोज करेंगे और हम रिपोर्ट्स वाले सेक्शन में अगेन जाएंगे। ये तीसरी रिपोर्ट है फ्रेंड्स, इसके बारे में हम बात करेंगे। एक्विजिशन में जाएंगे, यहाँ पे नहीं, एंगेजमेंट में जाएंगे। देखिए लैंडिंग पेज, आप यहाँ जाइएगा, ये लैंडिंग पेज की एक रिपोर्ट ओपन होगी यहाँ पे, मतलब एक ये पोर्शन ओपन होगा, ठीक है। हम यहाँ पे गए तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारे सारे लैंडिंग पेज हैं, ठीक है। पहले हम इसमें दो फिल्टर लगेंगे, एक इस फिल्टर में जाइए, यहाँ पे आप देखिए सेशन सोर्स एंड मीडियम पे जाइए, ठीक है। इससे पता चल जाएगा ये वाला आपका सेशन सोर्स एंड मीडियम ओपन हुआ, ठीक है। अब इसे कस्टमाइज करेंगे या फिल्टर करेंगे, अब देखिएगा यहाँ जब फिल्टर करेंगे तो हमें पे आप चैनल टाइप करना है। तो जैसे आप चैनल टाइप करेंगे तो आपको सेलेक्ट करना है सेशन डिफॉल्ट चैनल ग्रुप किस चैनल से आए, यहाँ पे कंटेंट्स करेंगे और यहाँ पे कैप्स में ऑर्गेनिक सर्च, वहाँ पे स्मॉल ऑर्गेनिक यूज करते हैं, ऑर्गेनिक सर्च आप करेंगे तब आप देखिए एक मिनट, यहाँ पे भी ट्रैफिक वाला देखिए फ्रेंड्स, अब आप देखिए कि ये पेज पहला कौन सा है, ये पेज होता है होम पेज गूगल ऑर्गेनिक सर्च। देखिए अगर हम इसकी बात करते हैं, यहाँ पे ऊपर गए तो आप देखिए इतने सेशन से इतने ये इतने यूज़र आए, इतने यूज़र से सेशन बने, तो आप देख लीजिए इतने यूज़र आए गूगल से, 1170 1451 सेशन बने, जिसमें 1170 में से 1034 1034 न्यू यूज़र थे, ठीक है। एवरेज एंगेजमेंट पर सेकेंड 28 सेकेंड का सेशन रहा है, और हमारी मैट्रिक्स कौन कौन सी है यहाँ पे देख लेते हैं। ओहो एक मिनट, इन्होंने तो ज़्यादा सेशन, देखिए अब यहाँ पे हमारा काम होगा, यहाँ पे हम इंगेज्ड सेशंस पे जाएंगे, तो आपका इंगेज सेशन मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। कन्वर्जन, ठीक है, मैंने इसको अप्लाई करा, अब हम इंगेज सेशन देखते हैं कितने बने यहाँ पे। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारे सेशन, ये न्यूज़र इतने थे, अब हम इधर गए तो अब देखिए इंगेज सेशन बने 1451, टोटल यूज़र कितने आए थे, 1451 लोग आए थे, 1451 इंगेज सेशन बने। कहीं ना कहीं जो इंगेज सेशन हमारे 1451 बने, अगर मैं ये होम पेज की बात करता हूँ इसमें एंगेज सेशन बने, तो इन 1451 लोग जितने भी आए उन 1451 लोगों ने ही 10 सेकंड से ज़्यादा टाइम स्पेंड करा, या किसी ने 10 सेकंड से कम करा तो कोई कॉल टू एक्शन परफॉर्म कर दिया, कोई ईमेल पे क्लिक कर दिया, कोई फ़ोन पे कर दिया, ठीक है। ऐसे ही यूनाइटेड स्टेट फ्लोरिडा बाहिया बीच, इस बाहिया बीच की अगर मैं बात करूँ तो इसमें 1039 सेशंस थे, 846 लोग आए, न्यू यूज़र कोई भी नहीं थे, सारे पुराने यूज़र थे, ठीक है। और अगर हम इसमें बात करें तो 846 में से केवल 84 84 एंगेज सेशन थे, मतलब 84 लोगों ने 10 सेकंड या 10 सेकंड से ज़्यादा टाइम स्पेंड करा है, कोई कॉल टू एक्शन परफॉर्म करा, ठीक है। एवरेज टाइम यहाँ पे इसके हिसाब से उन्होंने डिवाइड करा था, 2 सेकंड आ रहा है, ठीक है फ्रेंड। तो आपको आज तीन रिपोर्ट पता चली, एक रिपोर्ट पता चली ट्रैफिक एक्विजिशन से कि गूगल सर्च गूगल जितने भी सर्च इंजन हैं, बायदू है, बिंग है, येंडेक्स है, याहू है, गूगल है, इनके थ्रू कितने ट्रैफिक आते हैं। एक बैकलिंक्स की रिपोर्ट पता चली जो मैंने आपको फिल्टर करके बताया रेफरल वाला, कि बैकलिंक से किन किन पेजेस पे कहाँ कहाँ से हमें रेफरल ट्रैफिक आ रहा है।
एक लैंडिंग पेज पे किस किस सर्च इंजन से ऑर्गेनिक ट्रैफिक आया है, ठीक है। अब हम इसको भी यहाँ से सेव करेंगे एज अ न्यू रिपोर्ट, तो आप लिख सकते हैं लैंडिंग पेज सर्च इंजन्स रिपोर्ट, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमने ये रिपोर्ट्स बनी थी, इन तीनों रिपोर्ट को हमने सेव करा, ये तीनों रिपोर्ट अब यहाँ पे सेव हो चुकी हैं, ठीक है। अब आपको मैं दिखाऊंगा कि रिपोर्ट्स कहाँ दिखती हैं, ठीक है। अब आप बैक करिए, ठीक है, होम पे गए हम, रिपोर्ट्स पे गए, देखिए यहाँ पे लाइब्रेरी आएगा रिपोर्ट्स में, तो आप लाइब्रेरी पे जाइएगा। अब देखिए यहाँ लाइब्रेरी में जाके आप देखिए लैंडिंग पेज जो हमारी लास्ट रिपोर्ट है वो बैकलिंक्स रिपोर्ट और सर्च इंजन ऑर्गेनिक ट्रैफिक सेशन रिपोर्ट, ये तीनों रिपोर्टें हमारी सेव हो गई, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं एक नई चीज़ और करने वाला हूँ यहाँ पे, वो ये चीज़ है कि हम अपनी रिपोर्ट्स को वहाँ पे देख भी सकते हैं, हम इनको और कैटेगराइज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू कलेक्शन करूँगा फॉर एग्ज़ाम्पल, और यहाँ मैं क्लिक करूँगा, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे यह देखिए, तो और इस कलेक्शन का नाम मैं दे दूँगा SEO रिपोर्ट्स, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ मैंने SEO रिपोर्ट करा, यहाँ सर्च रिपोर्ट पर जाइएगा तो अपनी आप पहली रिपोर्ट क्या थी हमारी, सर्च इंजन ऑर्गेनिक ट्रैफिक सेशन रिपोर्ट थी। एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पे एक पहले टॉपिक क्रिएट करना पड़ेगा, टॉपिक नेम हो गया हमारा SEO, अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब हमने पहली हमारी रिपोर्ट थी सर्च इंजन, यहाँ हमने एक रिपोर्ट डाल दी। दूसरी हमारी रिपोर्ट क्या थी, बैकलिंक्स, ठीक है, बैकलिंक्स की रिपोर्ट डाल दी। तीसरी रिपोर्ट क्या थी हमारी, लैंडिंग पेज सर्च इंजन रिपोर्ट है, हमने वो डाल दी, ठीक है। ये तीनों हो गई, इन तीनों को हम सेव करेंगे, सेव एज अ न्यू कलेक्शन करिएगा फ्रेंड। जैसे मैंने एक SEO रिपोर्ट नेम दिया है, ये थोड़ा सा फ्रेंड मैं नई चीज़ आप लोगों को बता रहा हूँ, अब हम देखते हैं, ठीक है। अब हम बैक जाएंगे, यहाँ पे गए और इधर आप क्लिक करेंगे तो ये हमारा SEO रिपोर्ट आ गया होगा। अब हम यहाँ पे SEO रिपोर्ट पे जाके इसे पब्लिश कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब आप देखिएगा यहाँ पे, एक मिनट, इसको भी अगर हम पब्लिश कर दें, देखते हैं एक बारी कितनी बार आता है। तो अब हम होम पे गए एक बारी, वैसे रिपोर्ट्स आपको पता चलेगी लाइब्रेरी सेक्शन में, लेकिन मैं एक नई चीज़ आपके लिए करके दिखाना चाह रहा था, तो वो देखते हैं कि वो किस तरीके से फ्रूटफुली होती है, तो वो थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी आपको अपनी रिपोर्ट्स को देखने के लिए। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दो दो बार SEO रिपोर्ट आ गया, मैंने दोनों को पब्लिश कर दिया था, और यहाँ पे भी, एक मिनट, यहाँ पे भी आ गया, ठीक है। तो एक को मैं अनपब्लिश कर देता हूँ वहाँ से, तो आप देखिए कि जैसे यहाँ पे आपका एक्विजिशन बन गया, ठीक है फ्रेंड्स,
और आपका रियल टाइम एस सेक्शन बन गए, तो वैसे ही आपका एक एसईओ रिपोर्ट का एक एसईओ सेक्शन बन जाएगा जहाँ पे आपकी ये रिपोर्ट्स आ जाएंगी, जिसको आप क्लिक कीजिएगा तो वो आपकी रिपोर्ट्स यहाँ पे दिखने भी लग जाएंगी विथ फिल्टर्स। देखिए जो जो हमने फिल्टर लगाए थे कहीं ना कहीं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी हम एक काम करते हैं, यहाँ ना एक बारी रिपोर्ट्स पे जाके ना लाइब्रेरी में जाके एक एसईओ वाले को ना अनपब्लिश कर देते हैं ताकि वो डबलिंग ना हो। एक मिनट, यहाँ पे हम गए, एक है इसको हम डिलीट ही कर देते हैं, एक सेक्शन एक एसईओ रिपोर्ट वाले को, ठीक है। तो हमारा एक यहाँ पे बचा, तो अब आप देख लीजिए यहाँ पे पहले जो दो आ रहे थे एसईओ करके वो अब एक ही आ रहा है। अब आप यहाँ पे आराम से जाके अपने तीनों जैसे बैकलिंक की रिपोर्ट पे गए तो आपने यहाँ पे एक सेक्शन ही बना लिया, और अपने यहाँ पे एसईओ रिपोर्ट भी किसी को दिखानी हो तो उसको भी एक अच्छा लगेगा कि हाँ भाई ठीक है यहाँ पे एक हमारा, जैसे आपको पता होगा कि क्लाइंट साइट के भी आपका एक्सेस दे सकते हो या किसी अपने अपने सीनियर को भी एक्सेस दे सकते हो, तो वहाँ जाके आराम से ये देख सकता है कि भाई आप बोल सकते हो कि सर यहाँ से आप लिंक भी शेयर कर सकते हो, यहाँ पे देखो शेयर दिस रिपोर्ट का ऑप्शन भी है, भाई बैकलिंक्स रिपोर्ट रेफरिंग डोमेन्स हमारे ये हैं, इन इन यहाँ से ये सारे हमारे ये सारे मैंने बैकलिंक्स बनाए थे, इसको आप 100 भी कर दीजिएगा। तो इस तरीके से आप अपनी जो एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से जो 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 एक रिपोर्ट जाती है क्लाइंट को या अपने लिए भी आप रिपोर्ट बनाते हो, तो एक ऑफ जैसे कहते हैं ना एक कंबाइंड रिपोर्ट एक मैनेजर भेजता है एक सीनियर भेजता है, तो यहाँ से आप तीन रिपोर्ट आपकी बन गई, एक बैकलिंक ऑफ पेज की बन गई, भी आप दिखा सकते हो कि ये देख लीजिए यहाँ से हमारा ट्रैफिक आया है कहीं ना कहीं, इन ये रेफरल डोमेन से हमारे ये यूज़र्स हैं, ये सेशंस हैं, 3 मार्च से लेकर 30 मार्च तक ये सारा ट्रैफिक आया है, ये लैंडिंग पेज जिन जिन पेजों पे लैंड यूज़र आए हैं ये उसकी रिपोर्ट हो गई, ठीक है। और ये एक जो हो गई नीचे हो गई सर्च इंजन ट्रैफिक की हो गई, भाई कितने डिफरेंट सर्च इंजन से ऑर्गेनिक ट्रैफिक आया है, देखिए। तो वो ये रिपोर्ट हो गई। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस सेक्शन में हमने एक्विजिशंस की बात करी कि जितने भी सर्च इंजन से उनसे ऑर्गेनिक ट्रैफिक का जो हमने फिल्टर लगाया, एक फिल्टर हमने लगाया बैकलिंक्स ऑफ पेज के लोगों के लिए, ऑफ पेज टीम के लिए, कि भाई वो भी दिखा सके भाई इन इन वेबसाइट्स पे हमने काम करा और आप देख लीजिए एनालिटिक्स में शो हो रहा है। और एक हमने जो लैंडिंग पेज होता है उनमें पर्टिकुलर हमने लगाया कि उस पर किस तरीके से ट्रैफिक ऑर्गेनिक आ रहा है किन किन सर्च इंजन से। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एज मच एज पॉसिबल इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे बताइए कि कोई फ्लॉ मुझसे रह गया हो, कुछ छूट गया हो तो वो बताइए। और दूसरा जैसे फ्रेंड्स मैं बताता रहता हूँ अपने सब्सक्राइबर के नाम लेते, जैसे अक्षय कुमार की रिक्वेस्ट थी और ये भी एक दो लोग हैं उन्होंने ये ही सेम रिक्वेस्ट करी थी, तो आज ये वीडियो आपका बन चुका है अक्षय, ठीक है। और भी अगर आप कोई नए टॉपिक पर वीडियो बताना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।